कई क्लाइंट्स मेरे पास जब आते हैं जिन्हें थेरेपी के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो मुझसे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं थेरेपी क्या है एंड ऑल ऑफ़ दोज तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर थेरेपिस्ट में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं बट आज मैं एक ओवरऑल फील दूंगी कि थेरेपी क्या होती है सो लेट्स स्टार्ट विद द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो वो मुझसे पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वट इज़ थेरेपी थेरेपी जिसे हम साइकोथेरेपी या फिर टॉक थेरेपी या फिर काउंसलिंग कहते हैं इट्स अ रिलेशनशिप इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ थेरेपिस्ट यानी कि जो आपको थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लाइंट यानी कि आप uh, तो जिन लोगों को कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम यानी कि उनके व्यवहार में प्रॉब्लम है या फिर भावनात्मक और इमोशनल डिफिकल्टीज़ या फिर उनकी सोच में प्रॉब्लम है डिफ़िकल्टीज uh, हो रहे हैं रिलेशनशिप में डे टू डे लाइफ वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर्स है तो ऐसे लोग आते हैं थेरेपी के लिए दूसरा सवाल थेरेपिस्ट कौन होते हैं थेरेपिस्ट कोई भी लाइसेंस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जैसे कि अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अ साइकियाट्रिक सोशल वर्कर असाइकाट्रिस्ट तो जिन्हें भी मेंटल हेल्थ का लाइसेंस है वो आपको थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं थेरेपी कितने टाइप के होते हैं थेरेपी दो प्रकार के होते हैं पहला है इंडिविजुअल विच इज़ लाइक वन टू वन डिस्कशन बिटवीन यू एंड योर थेरेपिस्ट और दूसरा है ग्रुप जिसमें दो से अधिक लोग अपने कंसर्न्स को ला के बातें करते हैं एंड देन यू नो दे टॉक अबाउट इट चौथा सवाल सेशन कितने टाइम के लिए होता है वेल well, हर एक सेशन ज़्यादातर फोर्टी फाइव मिनट्स टू वन आवर के बीच का होता है बट कुछ लोगों को थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भी चाहिए होता है दैट इज़ डिसाइडेड बाई द थेरेपिस्ट तो कुछ लोगों को दो घंटे भी दिए जाते हैं कितने सेशंस में आप इम्प्रूवमेंट uh, एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेल well, ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है कि मैं कह सकूं कि इतने सेशंस में आप बिल्कुल यू नो यू जस्ट कम आउट ऑफ योर डिफिकल्टीज़ बट uh, हर इंसान जैसा कि मैंने कहा अलग होते हैं उनके कंसर्न्स अलग होते हैं सो so कोई एक पर्टिकुलर नंबर कहना बहुत ही मुश्किल है थेरेपी इज़ द प्रोसेस तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और आप यू नो एक्सपीरियंस करते जाएंगे वैसे वैसे आप हैंडल कर पाएंगे अपने डिफिकल्टीज़ को नेक्स्ट क्या मेरे थेरेपिस्ट किसी और से मेरे कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं वेल well, इस बात को लेकर आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी थेरेपिस्ट आपके कंसर्न्स को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेंगे वो भी आपके परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं सो so, जो भी आप लोगों के बीच रहता है डिस्कस होता है दैट इज़ ओनली बिटवीन यू टू एंड द ट्रीटिंग टीम अगर मे बी कोई साइकाट्रिस्ट भी इन्वॉल्व है तो उनके साथ भी ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी बट कोई भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं सो देट इज़ अ यू नो क्लियर कट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशलिटी कुछ सिचुएशंस में हम कॉन्फिडेंशलिटी तोड़ते हैं अगर हमें लगता है कि अगर uh, आपकी लाइफ को या फिर किसी और की लाइफ को थ्रेट है या फिर देर इज़ अ केस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ उस टाइम फैमिली को या फिर यू नो लीगल ऑथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताया जाता है क्या मेरे थेरेपिस्ट मुझे जज करेंगे ये बहुत ही कॉमन कंसर्न है और इस वजह से कई लोग खुल के अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करते ऐसा बिल्कुल नहीं है थेरेपिस्ट आर नॉन जजमेंटल दे आर ट्रेंड टू बी नॉन जजमेंटल सो आप उन्हें क्लियरली अपने कंसर्न्स के बारे में बताइए तब वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और आपके यू नो डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करने के बारे में डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट क्या पहले ही सेशन के बाद मुझे बेहतर महसूस होने लगेगा वेल well, इसकी कोई गारंटी नहीं है थेरेपी इज अ प्रोसेस तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि हाँ थोड़ा कह के उनका मन थोड़ा हल्का हो सकता है दे माइट फील लिटिल बेटर बट कुछ लोगों को एक्चुअली बता के और दे माइट फील लिटिल वर्स बट दैट इज़ नथिंग टू बी वारेड अबाउट आप वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपके लिए शायद पेनफुल हो या फिर आप आपकी वीकनेस बताता हो तो उन चीज़ों को बोल के आपको थोड़ा लो फील हो सकता है बट इन लॉन्ग टर्म इट इज़ गोइंग टू हेल्प क्योंकि हम उन कंसर्न्स पे काम कर पाएंगे सो so, अगर शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगता है इट्स ओके बी विद दैट फीलिंग एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फीलिंग्स को हमें बिल्कुल दूर रखना है इन इन फैक्ट एक्सपीरियंसिंग दैट इज़ ऑल्सो वेरी थे कई बार लोग अपने कंसर्न्स को शेयर नहीं कर पाते क्योंकि यू you नो know, आप एक स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं आपको पता नहीं कि वो कैसा बिहेव करेंगे सो इट टेक टाइम टू ओपन अप और ये बात आपके थेरेपिस्ट को भी पता है सो इट्स ओके टू टेक सम टाइम बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप जितना खुल के बताएंगे उतना ही आपको वो हेल्प कर पाएंगे पहले थेरेपी सेशन में क्या होता है uh, पहले थेरेपी सेशन में uh, थेरेपिस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है आपके बारे में जानने की कोशिश करता है तो मे बी ही माइट आस्क यू अबाउट कि आप क्यों आपके आने की क्या वजह है आपके कंसर्न्स क्या है फिर आपकी फैमिली के बारे में आपके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ़ द केस इनटेक शुरुआत में जो की जाती है उसके अलावा फिर एंड में शायद कुछ गोल्स डिस्कस हो सकता है कि आगे उन्हें क्या करना है जो कि आपके और थेरेपिस्ट के बीच डिस्कशन होने के बाद होगा Uh, कई थेरेपिस्ट नोट uh, डाउन भी करते हैं पॉइंट्स क्योंकि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है बट अगेन दिस इज़ केप्ट कॉन्फिडेंशियल इसके अलावा वो आपसे ये भी डिस्कस करते कि अगले सेशन आप कब आना चाहेंगे एंड हाउ कम्फर्टेबल यू आर विद द थेरेपी अगला सवाल अगर मैं अपने थेरेपिस्ट के साथ कम्फर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना चाहिए कई लोग शुरुआत में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं बिकॉज uh, अगेन आप एक नए इंसान से मिल रहे हैं उन्हें अपनी कंसर्न्स बता रहे हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा टाइम दें मे बी टू टू थ्री सेशंस टू एक्चुअली इवेल्युएट कि क्या आप वो कनेक्ट बिल्ड कर पा रहे हैं या नहीं बिकॉज दैट कनेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट Um, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए विथ योर थेरेपिस्ट आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपकी बातों को समझ रहे हैं देन ओनली देर आर थिंग्स विच आर लाइकली टू इम्प्रूव अगर दो तीन सेशंस के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद हम वो कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं देन इट्स एब्सोल्युटली ओके आप अपने थेरेपिस्ट के साथ इसके बारे में बात कीजिए मे बी यू नीड टू रीच आउट टू अनादर थेरेपिस्ट

शायद वो बजट के थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कैन निगोशिएट ऑन द प्राइसिंग कुछ लोग अपने फ्री थेरेपी सेशंस भी देते हैं कुछ लोग हफ्ते में एक दिन या दो दिन देते हैं तो आप उनसे इस चीज़ के भी बारे में बात कर सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो थेरेपी के बारे में कुछ मिसकसेपशंस भी है जैसे कि uh, कुछ लोगों को लगता है कि थेरेपी इज मोस्टली अबाउट एडवाइस कि आप जाएंगे और आपको थेरेपिस्ट बताएंगे कि आपको क्या करना है वेल इट इज़ अ प्रोसेस दे मोस्टली गाइड यू ऐसा नहीं है कि वो बताएंगे क्या करना है वो आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए वो कुछ इस तरह से सवाल करेंगे जिससे आप इसके बारे में सोच पाएंगे या फिर आप अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो सोच पाएंगे दूसरा थेरेपिस्ट आर नॉट योर फ्रेंड्स दे आर uh, प्रोफेशनल्स सो so, आप दोनों के बीच एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है एंड दैट बाउंड्री शुड बी मेनटेन्ड तीसरा हर थेरेपिस्ट आपको कोई मेडिसिन नहीं देता सिर्फ साइकाट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बिकॉज दे कम फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड अदरवाइज काउंसिलर्स और यू नो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिक सोशल वर्कर्स दे आर नाट लाइसेंस्ड टू गिव यू मेडिसिन और हर चीज़ के लिए मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती है कुछ लोग थेरेपी से ही केवल बेनिफिट कर सकते हैं अगर आपके थेरेपिस्ट को लगता है कि हाँ शायद आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो वो रेफर कर देंगे आपको टू अ साइकाइट्रिस्ट हु कैन प्रोवाइड यू मेडिकेशन फोर्थ थेरेपिस्ट के साथ डिस्कशन केवल सेशन टाइम में ही होता है आपको एक पर्टिकुलर डे दिया जाता है कि इस टाइम से आपका एक स्लॉट बुकड है उस टाइम आप अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आप थेरेपिस्ट को कभी भी फ़ोन करके अपने कंसर्न्स के बारे में बताएंगे बट हाँ अगर इमरजेंसी है देन यू आर डेफिनेटली फ्री टू कॉन्टैक्ट बट कई बार ऐसा होता है कि यू नो दे माइट बी इन अ सेशन विथ अदर क्लाइंट्स तो शायद वो आपका कॉल रिसीव ना कर पाए सो इट्स ऑलवेज गुड टू ड्रॉप इन अ मैसेज और एन ई सो दैट जब भी उनको टाइम मिले वो आपको रिप्लाई uh, कर पाए सो बेसिकली थेरेपी एक प्रोसेस है इट्स एब्सोल्यूटली फाइन टू रीच आउट टू योर थेरेपिस्ट एंड यू नो टॉक टू दैम अबाउट योर कंसर्न घबराने की कोई बात नहीं है थेरेपिस्ट भी इंसान होते हैं उनमें भी फीलिंग्स होती हैं अगर आपको कुछ भी हेजिटेशन uh, फील हो रहा हो तो बेझिझक आप उनको बता सकते हैं एंड दे आर डेयर टू हेल्प यू आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिला होगा टू रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट इफ़ यू आर इन नीड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब And always remember that mental health is as important as your physical health.